कैथल की कलायत से चुनाव हारी बीजेपी की पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा का सरपंचों को चेतावनी देते हुए वीडियो वायरल हुआ। कैथल में अपने आवास पर कार्यकर्ता बैठक में कमलेश ढांडा ने कहा, जिन सरपंचों ने कांग्रेस का समर्थन किया है उन्हें नतीजा भुगतना पड़ेगा। बता दें, कमलेश ढांडा कलायत से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण से चुनाव हारी थी। मीटिंग में कमलेश ढांडा का चुनाव हारने का दर्द फूटा। उन्होंने अपनी हार का ठीकरा सरपंचों पर फोड़ा। मैं भी खुल करूंगा, समर्थन करूंगा इनके काम में, ग्रांट में कोई कमी नहीं आने दूंगी। बहुत सारे सरपंच बैठे, बहुत सारे सरपंच, उनको बकाया गया तेरे को ग्रांट देंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी और भैया उठा तो हमको मालो माल हो जाओगे। इस तरह नहीं होने दे, बीजेपी है का नाम नहीं देगी। और मैं निकल लिया बात सारा हरियाणा का, वही सरकार जल्दी एक होनी को कहना चाहूंगी, जिन्होंने मेरा साथ कमल का फूल का साथ देने का काम किया है। यहाँ पर कई सरपंच आए हुए हैं, उनको भी मान सम्मान में, उनकी ग्रांट में, उनके हरेक तरीके से उनका कोई कमी नहीं आने दूंगी। दिल खोल कर आप आगे चलने का काम करें। और दूसरे सरपंचों को भी कह देना कि ये बीजेपी की सरकार है, आपने जो अन्याय किया उसका भी आपने नतीजा भुगतना पड़ेगा। हार करती हूँ और आप हारे नहीं, आप जीते हो, आप हार में भी जीते हो, क्योंकि आज आपकी सरकार है और मैं आपके साथ खड़ी हूँ। हम दिल खोल कर काम करेंगे, हम किसी से नहीं डरेंगे। आपने डरने की जरूरत नहीं है। आप छाती चौड़ी कर गांव में, अपने गली में, अपने घर में, अपने गांव में बेदरक होकर, फिर भी हम थोड़े से